मुजफ्फरनगर जनपद में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने बुधवार को जनपद के नई मंडी थाना क्षेत्र के बागों वाली में जमीयत कॉलोनी बसाकर मुजफ्फरनगर दंगे में विस्थापित हुए 66 परिवारों को मकान देकर उनको चाबियां सौंपी हैं। इससे पहले भी जमीयत उलेमा हिंद दंगा विस्थापितों को मकान दे चुकी है। अब तक 151 मकान जमीयत द्वारा दंगा विस्थापितों को दिए जा चुके हैं। इन मकानों में जमीयत उलेमा हिंद ने पानी, बिजली, खड़ंजा व अन्य सुविधाओं के भी इंतजाम किए हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि पूरी दुनिया में जमीयत लोगों की मदद करती है। इस मदद में जमीयत किसी धर्म को नहीं देखती, सिर्फ पीड़ित ही देखती है। वो 101 साल हो गया है, आज उनका शरीर कौन जिंदा है, लेकिन वो लोग जो उनकी तहरीक से जुड़े हुए थे और हिंदुस्तान की आजादी के लिए वहाँ जाकर उन्होंने आजाद हुकूमत कायम की, ये उन लोगों की औलाद है या औलाद की औलाद है जो अपने बाप दादा की मुल्क की हिंदुस्तान की आजादी के लिए इंग्रेज के खिलाफ अपनी जान कुर्बान करने की कोशिशों को जानते हैं। इसलिए आज वो लोग खड़े हुए हैं, मगर हम कोई जल्दी नहीं करते। हम ये देखेंगे कि मुल्क में, दुनिया में हुकूमतों को जिंदा और उनकी अच्छी हुकूमतों के लिए जो बुनियादें हैं, अगर वो उन बुनियादों को कायम रखते हैं और कामयाब होते हैं, उनके लिए कोशिशें करते हैं, हम उसकी तक उनकी तारीफ करें। वो देखिए हमारे मुल्क की तो चीज़ें हैं, आप तालिबान के बारे में मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं आज तक कभी अफगानिस्तान गया नहीं। मैंने वो तालिबान जो जंग करते करते और अमरीका की गुलामी की जंजीरों को तोड़ते तोड़ते आज मुल्क पर अपने काबिज हो गए, उनकी सूरत मैंने कभी नहीं देखी है, मेरी गुफ्तगू भी कभी नहीं हुई है। क्या आप मुझसे क्यों पूछते हैं तालिबान के बारे में? अब ये मुझे तालिबान, मैंने उस वक्त भी बात की थी, मैंने कहा था कि जो दूसरी लोगों की कांग्रेस की और दूसरी जो हुकूमतें हैं वो माओवादी चीन के खिलाफ काम कर रही हैं, कानून बनवा रही हैं, आप भी कानून बनवाइए। मेरी वो बात सुन करके जो मेरे साथ गए थे मुलाकात कराने के लिए, उन्होंने मेरी दाई की और ये कहा कि ये बात होनी चाहिए, वो इसके ऊपर खामोश हुए। मैं ये समझा कि हो सकता है कि वो इस सिलसिले के अंदर आगे बढ़े, लेकिन आज की सूरत हाल इसका मकसद अलावा हिंदू को समेटना है, मुसलमान को एक तरफ कर देना है, हिंदू को एक तरफ कर देना है, एक सियासी मसला है, इसको समझना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि मुसलमान का इम्तिहान है, मुसलमान को इलेक्शन तक बहुत सब्र करके खामोश रहना चाहिए। आई तो फसाद नहीं हुए, अगर देखा जाए उस तरीके से, क्या वजह है कि सेकुलर सरकार में फसाद ज़्यादा होता है और जब कम्युनल या जिसको कहते हैं बीजेपी तब नहीं होता है, क्या वजह है? इसको आप भी जानते होंगे कि फसाद करने वाले कौन लोग हैं, फसाद किस लिए किया जाता है, जब मकसद हासिल हो गया तो अब क्या फसाद होगा? दूसरे लोगों की जड़ उखाड़नी होती है, फसाद आती है। आप ये देखिए अगर कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर 5 पैसे डीजल के ऊपर बढ़ जाते थे तो कितना हंगामा होता था, आज डीजल और पेट्रोल 100 रुपये है और कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये तो सब दुनिया जानती है कि शोर मचाने वाले लोग कौन हैं, उन्हें अखिलेश गवर्नमेंट को बावजूद कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए उनको गिराना था, उन्होंने गिरा दिया, गिराने के बाद किसी छोड़ की जरूरत नहीं, क्या छोड़ते हैं।